वेलकम टू शिखास किचन। दोस्तों मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस रेसिपी को। दोस्तों आज मैं आपके साथ आलू, मटर, गोभी, गाजर और टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हम बिल्कुल भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बघार के लिए पंच फोरन लिया है, कलौंजी, खड़ा धनिया लिया है, जीरा, सौंफ और आधी छोटी चम्मच राई का दाना और एक मैंने ली है खड़ी लाल मिर्च, साथ ही दो अदरक के टुकड़े, हींग का इस्तेमाल करेंगे। तो सभी सब्जियों को हमें काटना है। गाजर को बस इस तरह से गोल गोल काटें, ये देखिए एक से दो मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। मटर मैंने छील के रखे हैं, गाजर को बस गोल गोल काटना है। आलू को भी मैंने छील कर रखा है और गोभी के भी छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हैं। तो आलू को भी आपको बस ऐसे ही छोटे टुकड़ों में काटना है ताकि सभी सब्जियों को पकने में एक जैसा टाइम लगे। जैसे गाजर मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, वैसे ही आलू के छोटे टुकड़े करना है। तो दोस्तों कई बार ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि हर सब्ज़ी हम बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज का इस्तेमाल करके ही बनाएं। बिना लहसुन प्याज के भी बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। हम इसमें सब्जियों को बस ऐसे ही रफली काट रहे हैं। टमाटर को भी बस दो टुकड़ों में काटा है, टमाटर का नीचे वाला गोल हिस्सा काट के अलग कर दिया है। तो ये देखिए सब्जी कट चुकी है, आलू को इस तरह से काटा है, गाजर कट गया, गोभी के फ्लोरेट्स कट गए हैं और टमाटर के दो हिस्से किए हैं। और यहाँ पर एक बड़ा बर्तन रख दिया है मैंने गरम होने, तेल थोड़ा सा गरम हो जाए तो बस गरम तेल में सबसे पहले हम पंच फोरन डालेंगे। अदरक को मैंने अलग कर लिया है, तो सबसे पहले आधी चम्मच राई डाला है मैंने, आधी चम्मच सौंफ, 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है जिसे कि करायल भी कहा जाता है, एक चम्मच मैंने जीरा लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाला है। हींग का बघार करने से दोस्तों बड़ा ही बढ़िया टेस्ट आता है और लहसुन प्याज ना डालें तो भी चल जाता है। एक खड़ी लाल मिर्च डाली है और बस अब ये जो सब्जियां जितनी सुंदर ये दिखने में लग रही हैं दोस्तों उतनी ही स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। तो बस गोभी, मटर, गाजर, आलू और टमाटर पांचों सब्जियों को मैंने एक साथ पंच फोरन में डाल दिया है और बस खूब अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लें। और ये जो दो अदरक के मैंने बड़े टुकड़े लिए हैं दोस्तों बस इसे हमें ग्रेट करके डालना है। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं दोस्तों उनको तो ये सब्ज़ी में मज़ा ही आ जाएगा और आप भी मेरे कहने से एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर बनाकर देखें। ज़रूरी नहीं है कि हम जब ओनियन गार्लिक की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो ही उसमें स्वाद आता है, कई बार हम सादे तरीके से भी सब्ज़ियाँ बनाते हैं तो उनमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस अब बड़े टुकड़े अदरक को भी ग्रेट कर दिया है, एक चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि सभी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएँ। और बस सभी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद किसी भी ढक्कन से आप इसे कवर कर दें ताकि आलू पक जाए, मटर, गोभी सभी सब्जियाँ हमारी पक जाएँ। तो दोस्तों बहुत ही हेल्दी भी है ये सब्जियाँ, इतनी सारी वेजिटेबल का हमने इसमें इस्तेमाल किया है और अभी तो ठंड का मौसम है, हेल्दी सीज़न है और मार्केट में तरह तरह की सब्जियां आ रही हैं। सबसे ज़्यादा सब्जियां इसी सीज़न में आती हैं तो क्यों ना हम खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल करके ही सब्जियां बनाएं ताकि हर तरह के विटामिन्स, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते रहें। और अब मैं कुछ सूखे मसाले ले रही हूँ। तो मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच पानी लिया है, तो पानी में मैं सूखे मसालों में हल्दी डाला आधी चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ जीरा डाला है, साथ ही 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। तो बस ये जो पांचों पाउडर है दोस्तों इसे मैं पानी में ही घोल रही हूँ क्योंकि कई बार हम एकदम सूखे मसाले सूखी सब्जियों में डालते हैं तो मसाले जल जाते हैं और इस सब्ज़ी में हमें हल्की सी ग्रेवी करना है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और अब एक बार सब्ज़ी भी हिला लेते हैं तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी करीब करीब होने आई है, पूरी तो नहीं पकी है। टमाटर के ऊपर की जो स्किन है दोस्तों यदि आपको बाहर निकली दिख रही है तो उसे तुरंत ही निकाल दें, वैसे भी टमाटर की स्किन बहुत ही जल्दी निकल जाती है। तो 5 से 6 टमाटर के जो टुकड़े थे उनकी मैंने स्किन निकाल दी है और सभी सब्जियों को एक बार अच्छी तरह से हिला दिया है और अब आप देख सकते हैं हमारी सब्जियाँ करीब करीब पकने आई हैं। अभी थोड़ा सा कच्चापन है इसमें, तब हम इसमें ये जो मसाले हमने पानी में घोल कर रखे हैं अब हम ये इसमें डालेंगे। आप ये ना सोचें कि अरे इसमें ग्रेवी कैसे होगी, बिल्कुल ही ग्रेवी हो जाती है। कई बार हम आलू को मैश करते हैं उससे भी बढ़िया ग्रेवी हो जाती है। तो यहाँ पर पूरा 1 कप के करीब मैं पानी डालूँगी
ताकि सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। थोड़ी सी लटपटी सब्जी बना रहे हैं दोस्तों, इसे बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम इसे ड्राई नहीं करेंगे, ताकि हम इसे चपाती से खाएं तो बड़ा मज़ा आए। अब आप देख सकते हैं बढ़िया उबाल आने लगा, फिर भी मैंने इसे कवर कर दिया है। पूरे 7 मिनट के बाद की शूटिंग है, धीमी आंच पर हमारी सब्ज़ी बढ़िया पक चुकी है। आप इसका कलर देखकर अंदाज़ लगा सकते हैं दोस्तों, और ग्रेवी देखकर भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनी है। और टमाटर से तो अपने आप ही ग्रेवी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली, अच्छे 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करूँगी और फिर इस सब्ज़ी में ऐड करूँगी। और सबसे आखिरी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, ताकि और भी बढ़िया इसमें स्वाद आए। तो दोस्तों ये सब्ज़ी जितनी दिखने में सुंदर है, यकीन मानिए उतनी हेल्दी है और उतनी ही टेस्टी है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिए से इसे गार्निश कर रही हूँ। और बस गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को रोटी के साथ, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए दोस्तों। लाइक, साथ ही साथ शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी आप लोगों को